नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थवास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश के बाद यूपी के अधिकांश जिलों में सपा नेता और कार्यकर्ता गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटने के काम में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से रोजाना ऐसी तस्वीरें जारी की जाती हैं जिसमें उनके कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में गरीबों की मदद करते दिखाई देते हैं। लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक हालात सामान्य ना हो जाए तब तक सपा नेता और कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार अपने आसपास रह रहे गरीबों और कमजोरों की मदद करें। अपने नेता के इसी आदेश का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष तनवीर खां अपने क्षेत्र में जरूरतमंदों को लगातार खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने आवास पर आई तमाम महिलाओं और गरीब परिवार को राशन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जितना भी हमसे हो रहा है, हम और हमारी टीम के लोग जनता की मदद कर रहे हैं। तनवीर खां ने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव का एक ही सपना है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहने पाए। हम अपने मुखिया के इसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ये राहत सामग्री, समाजवादी राहत सामग्री हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी लोग, जो जब से लॉकडाउन हुआ है, तमाम गरीब, चाहे वो किसी समाज, किसी वर्ग, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, हम सभी समाजवादी लोग मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं और इसमें खाद्य सामग्री उनको दी जा रही है, कोशिश करी जा रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है माननीय अखिलेश यादव जी का कि कोई भी गरीब भूखा ना सोने पाए, तो उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से चिंतित हैं और समाजवादी पार्टी के लोग ही पूरी तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं। और सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे खोखले साबित हुए हैं। गरीबों की मदद सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है। अगर मदद हो रही है तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग ही गरीबों की मदद कर रहे हैं। और एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, हम सब लोग राजनीति से अलग हटकर एक मानवता के नाते हम सब लोग मिलकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से सभी लोग मदद करेंगे तो गरीबों का कुछ ना कुछ भला ज़रूर होगा। शाहजहांपुर क्राइम ब्यूरो, शाहनवाज खान की रिपोर्ट।